सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय उलसूर, जिला बिदर से हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम सुनंदा का दरवाजा कहानी समझने की प्रयास करेंगे। गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी NEP सिलेबस के तहत BA फर्स्ट सेम के लिए सुनंदा का दरवाजा कहानी रखा गया है। कहानी है सुनंदा का दरवाजा। कहानीकार का नाम है प्रोफेसर परिमिला अम्बेकर। यह कहानी हम चार बिंदुओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कहानीकार के परिचय समझेंगे, उसके बाद कहानी में जो पात्र है पात्र परिचय से आपको अवगत कराएंगे, कहानी का मूल उद्देश्य समझेंगे, कहानी के कथावस्तु और सारांश आपको बताने की प्रयास करेंगे। साथ साथ यह कहानी कैसे अंत होती है उसके ऊपर भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कहानीकार का परिचय यूं रहा है। कहानी है सुनंदा का दरवाजा। कहानीकार है प्रोफेसर परिमिला अंबेकर। प्रोफेसर परिमिला अंबेकर अंबेकर मैडम ने अनुवाद और तुलनीय अनुसंधान एवं समीक्षा विधा में अपना वैयक्तिक हस्तक्षेप रखती है। अध्ययन एवं अध्यापन के साथ साथ अनुसंधान में भी विशेष रुचि के चलते UGC के प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुकी है। 10 से भी अधिक पुस्तकों के प्रकाशन के अतिरिक्त अनेक स्तरीय पत्रिकाओं में शोध परक आलेख लिखते द्वारा हिंदी लेखन दक्षिणी हस्तक्षेप के अपने वैचारिक आयाम को आकार देने के प्रति वह अधिक सजग है। प्रोफेसर परिमिला अंबेकर मैडम के बारे में अगर बता दिया जाए, वह मैडम फिलहाल गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी हिंदी विभाग के प्रमुख यानी HOD के रूप में वह कार्यरत है। 2 दशकों से वह उस पद पर आसीन है। सदा मैडम साहित्य के हर विधाओं पर वह अपने कलम चलाती रहती है। खास तौर पर पत्रिकाएं शोध आलेख के ऊपर भी वह अपने कलम के जरिए अपना वैयक्तिक पहचान बनाए हुई है। मैडम का जो यह कहानी है सुनंदा का दरवाजा, यह कहानी पढ़ने के बाद हमें यह लगता है कि यह कहानी नहीं जीवन की सच्ची घटना है। यह हमें कहानी न लगकर जीवन की कथा लगती है। सुनंदा का दरवाजा यह कहानी के पात्र परिचय की ओर हम बढ़ेंगे। सुनंदा का दरवाजा जैसे नाम से ही यह कहानी का शीर्षक बनाया हुआ है, सुनंदा इस कहानी का प्रधान पात्र है। यूं कहें कि कहानी का जो नायिका है सुनंदा ही है। इसके अलावा अश्विनी यानी सुनंदा की बड़ी बेटी, पिंकी सुनंदा की छोटी लड़की, अमित सुनंदा की छोटा लड़का, मंगला सुनंदा के पति, सुनंदा के माता पिता, सुनंदा के सास ससुर, बाकी जो है यह कहानी के सब गौण पात्र हैं। सुनंदा को ही एक आधार बनाकर यह कहानी लिखा गया है। तो हम कहानी का मूल उद्देश्य की ओर समझने की प्रयास करेंगे। सुनंदा का दरवाजा यह कहानी का जो मुख्य उद्देश्य रहा है, महिलाओं को शोषण से मुक्त कराना है, महिलाओं को समाज के मुख्य धारा में लाना ही इस कहानी का मूल मकसद रहा है। महिलाओं को अपने जीवन साथी चयन करने का अधिकार होना चाहिए, इस हेतु इस कहानी का पाठ्यक्रम में चयन किया गया है। कहानी का अगर सारांश देखने की समझने की हम कोशिश करेंगे, सुनंदा का दरवाजा कहानी एक निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण परिवार की महिला की कहानी है, जो उत्तर कर्नाटक के प्रदेश में सामाजिक परिवेश और संस्कारों में पली बड़ी है। सुनंदा अत्यंत ही सरल और मर्जीखोर स्वभाव की महिला है, जो बचपन से लेकर अपने जीवन के हर निर्णय को स्वयं की इच्छा अनुसार न लेकर परिवार की भलाई एवं परिवार की मर्यादा के सुरक्षा को ही ध्यान में रखकर वह लेती रहती है। यहाँ तक कि अपने विवाह के संदर्भ में भी वह बहन के मौत के पश्चात उसके बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से में रखकर बहन के प्रति से अपने वैवाहिक जीवन के गांठ को बांध लेती है। सास ससुर देवर आदियों से भरे ग्रामीण परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए अपना सब कुछ वह समर्पण कर देती है। सुनंदा का घर और मन दरवाजा हमेशा औरों के लिए खुला रहता है। सुनंदा जैसी हजारों औरतें घर परिवार की मर्यादा और सुरक्षा के बाल बच्चों के विकास के लिए नित्य प्रतिदिन खटते हुए अपने समाज को हम देखते हैं। इन्हीं औरतों के जीवन के मर्म और उनके संघर्ष को
बताने का प्रयास इस कहानी में हुआ है। इतना ही नहीं, इस कहानी में मानवीय संवेदना को भी उनका भी जिक्र किया गया है। सुनंदा इस कहानी की नायिका है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। उन्हें आधार बनाकर इस कहानी का नाम रखा गया है। यह कहानी कलबुर्गी शहर से 15 किलोमीटर दूर बसा औराद गांव की कहानी है। सुनंदा का दरवाजा कहानी का जो मुख्य पात्र है सुनंदा ही है। उनके दो बेटी हैं, एक बेटा है अश्विनी, उनकी बड़ी बेटी है। पिंकी छोटी लड़की है। अमित उनका एक लड़का है। यह कहानी अश्विनी और पिंकी के संवाद से ही प्रारंभ होती है। सुनंदा अश्विनी का विवाह करना चाहती है। अश्विनी अपने दफ्तर के बॉस के विवाह बॉस के लड़का के साथ वह विवाह करना चाहती है, परंतु उनके लिए सुनंदा मना करती है। पिंकी अपने माँ से कहती है कि आशा का अब शादी नहीं करूंगी, वह बोलती है। अश्विनी के मन पसंदीदा लड़का के साथ विवाह करने का फैसला से सुनंदा अपने ऊपर, उनकी माता पिता ने जिस तरह सुनंदा से बिना पूछे एक विदुर शराबी अपने बहनोई से विवाह कर देते हैं, उसी के बारे में वह सोच रही है। सुनंदा का विवाह उनकी बड़ी बहन मंगला के निधन के बाद हुआ। उस समय मंगला 8 महीनों की गर्भवती थी। मंगला मर जाने के बाद उनके पति से ही सुनंदा का विवाह कर दिया गया था। इस कहानी में गरीबी की शोषण भी हुआ है। मंगला मर जाने के बाद विदुर पति के माता पिता ने आकर सुनंदा के बिना पूछे बिना दहेज वह सुनंदा को पूछने लगे। देखी समझी परिवार था, इसलिए सुनंदा के माता पिता ने मंगला के पति के साथ सुनंदा का विवाह करने का निश्चय कर लेते हैं। अब तो लगा कि सुनंदा की मुश्किलें कम हो गई, परंतु ऐसा नहीं हुआ। संतान जल्दी न होने का दोष भी सुनंदा को ही झेलना पड़ा। लड़कियों के बाद लड़कियां पैदा होने का दोष सास ससुर सुनंदा को ही देते। एक के बाद दो लड़कियां, उसके बाद लड़का। किसी भी बच्चों का विवाह न करने से पूर्व ही अत्यधिक व्यसनी के चलते पति भी आंखें बंद कर लिया। दो बेटियों के पढ़ाई लिखाई और विवाह, साथ साथ अमित की इंजीनियरिंग सिखाने का जिम्मेदारी, सब कुछ सुनंदा के ऊपर ही आ गया। यह सब कुछ बीते 20-22 साल हो गए। आज सुनंदा को यह पुरानी बातें बहुत याद आती है। सुनंदा अपने जीवन में जिस तरह से दूसरों के मर्जी से जीवन बिताती आई है, वह आज अपनी बेटी का विवाह करने का जो फैसला है, जो जीवन में उनके जीवन साथी चयन करने का जो अधिकार है, वह अपनी बड़ी बेटी अश्विनी के ऊपर ही छोड़ देती है। आज के युग के हर कोई अपने मन मर्जी से जीना चाहता है। अगर सुनंदा अपने मन मर्जी से विवाह अगर करती तो यह सब कुछ कठिनाई उनके जीवन में न आता। यह सब आज प्रश्न है। सुनंदा एक तरह से मदारी की बंदर की तरह जीवन बिताने का कार्य करती है, जो कहानीकार ने बहुत संक्षिप्त रूप में इस कहानी में उल्लेख किया है। कहानीकार की दृष्टि में गरीबी के कारण आज भी हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां उम्र ढलने के बाद विवाह करना, अपने चाहते लड़कियों के साथ विवाह न होना आदि समस्या का भी सामना कहानीकार ने इस कहानी के जरिए देश की लड़कियों का समस्या को भी उजागर करने का प्रयास किया है। तो इस कहानी में स्त्री शोषण का उल्लेख हुआ है, महिलाओं को स्वतंत्र और समानता का अभाव इस कहानी में हमें दिखाई देता है, और गरीब माता पिता के लाचारी कमजोरी सही वक्त पर सही निर्णय लेने का जो फैसला होता है उसे भी इस कहानी में बहुत ऊंचे ढंग से बताने का प्रयास कहानीकार ने किया है। अगर इंसान कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अगर सही वक्त पर अगर सही निर्णय अगर न लेते हैं तो उसका दोष, उसका कामयाबी हमें भुगतना पड़ता है। इसका भी जिक्र इस कहानी में हुआ है। तो इस कहानी सुनंदा के अंतिम यानी पति के मर जाने के बाद बच्चों को पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, सब कुछ उनको ऊपर जिस तरह से जिम्मेदारी आ जाती है, अपनी कठिनाई के दिन वह किस तरह से संघर्ष के अपने जीवन चलाती है, और जिस तरह से आज अश्विनी के बारे में जो कहानीकार ने इस कहानी में जो उल्लेख किया है कि आज अश्विनी को अपने जीवन साथी चयन करने का जो अधिकार है सुनंदा अपनी बेटी के ऊपर ही छोड़ देती है। और कहानीकार ने इस कहानी के जरिए और एक बात भी बताने का प्रयास किया है कि अश्विनी अपने ऑफिस के जो बॉस है, अपने ऑफिस का जो लड़का है उनके साथ विवाह करना चाहती है, परंतु वह ऑफिस का जो लड़का है दूसरे जाति से जुड़ा हुआ
परंतु यहाँ पर कहानीकार ने अंतरजातीय विवाह को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देने की बात इस कहानी के जरिए किया है। तो यह कहानी इस तरह से अंत होती है। धन्यवाद।